चलिए, इलेक्ट्रिक मोटर, यू ऑल हैव सीन फैन. फैन जो है, हम क्या करते हैं, व्हेन वी स्विच ऑन फैन स्टार्ट्स रोटेटिंग. ठीक है, दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो व्हाई डज द फैन ऑपरेट, बिकॉज देर इज एन इलेक्ट्रिक मोटर इनसाइड इट. तो फैन के अंदर जो मोटर लगी हुई है उसका भी सेम फंक्शन ही एक्चुअली, उसी की वजह से ऐसे होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, इफ वी वांट टू डिफाइन इट, देन इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. एक और हाँ डेफिनेशन इलेक्ट्रिक मोटर की, इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी. अब बिफोर वी अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मोटर, आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, टॉर्क. टॉर्क क्या होती है? फोर्स पता है ना आपको, फोर्स क्या होता है? इट्स अ पुश और पुल. ये वो चीज है जिससे कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाती है. इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इट स्टार्ट्स मूविंग. टॉर्क क्या होती है? ये भी एक फोर्स ही होता है, बट व्हेन इट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग. तो टॉर्क ऐसा एक फोर्स है जो रोटेट कर सकता है. ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टू फोर्सेस दैट आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बट डोंट कैंसल आउट ईच अदर. नाउ यू विल से व्हाई दे डोंट कैंसल आउट ईच अदर, बिकॉज दे एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन. सपोज कर लो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक साइड से फोर्स लग रहा है F1 और दूसरी साइड से फोर्स एक्ट कर रहा है F2. इफ दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, और इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. ठीक है, बट इफ दीज फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, F1 इधर F2 इधर, तो ये कैंसल आउट नहीं होंगे एंड दे विल रोटेट दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे. सो टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड कपल समटाइम्स, एंड इट इज प्रोड्यूस बाय, यू कैन से, अ कपल ऑफ फोर्सेस. टू फोर्सेस इसको प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ऐसे दो फोर्सेस जो इक्वल एंड ऑपोजिट तो हैं, बट दे एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन. तो टॉर्क समझ में आ गई टर्म? किसी को नहीं समझ में आई तो यू कैन रेज योर हैंड. टॉर्क इज अ फोर्स दैट कैन रोटेट एनी ऑब्जेक्ट, एंड इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. हाँ जी नव्या. मैम, ये F0 कब हुआ ये बताना। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रही थी कि अगर F1 F2 फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं इन सच अ वे कि दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे आर एक्टिंग अलॉन्ग सेम लाइन ऑफ एक्शन. ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो फिर ये कैंसल आउट कर देंगे और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इन दैट केस. बट अगर ये फोर्सेस नीचे वाली सिचुएशन में हो कि ये एक दूसरे के पैरेलल तो हो, इक्वल एंड ऑपोजिट भी हो, बट उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, तो फिर वो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे जो रोटेट कर देगी कॉइल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को. ठीक है, तो हमारा मोटर का प्रिंसिपल यही है. इसमें हम क्या लेते हैं, कॉइल लेते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल जो एक मैग्नेट के पोल पीसेस के बीच में रखा होता है. एंड व्हेन वी प्रेस द स्विच वी पास करंट थ्रू द कॉइल. और ये प्रिंसिपल है कि व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कॉइल व्हिच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी दोनों आर्म्स पे लॉरेंट्स फोर्स एक्ट करेगा. मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स एक्ट करेंगे बिल्कुल इसी तरह से कि वो इक्वल एंड ऑपोजिट तो होंगे, बट दे विल बी एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन. दे विल रोटेट द कॉइल, तो कॉइल रोटेट करना शुरू हो जाएगा, फैन रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे टॉर्क प्रोड्यूस हो. ठीक है, तो यही हमारा मोटर का भी वर्किंग प्रिंसिपल है. लिखिए, व्हेन व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कॉइल, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कॉइल,
placed in a magnetic field when current is passed through a coil placed in a magnetic field a torque acts on it that rotates the coil. A torque acts on it that rotates the coil. So this is the principle of electric motor. When current is passed through a coil placed in a magnetic field, a torque acts on it that rotates the coil. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. तो क्वेश्चन लिख लीजिए, कैसे बनेगा आपका, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. Side by side, we'll also write the important parts of construction. So this is an electric motor. This is a rectangular coil, A, B, C, D, placed between the pole pieces of a strong magnet. इसको हमने magnet के pole pieces के बीच में रखा हुआ है. ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन में एक तो हो गया रेक्टेंगुलर कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, फिर पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट, एक ये हो गया. देन वी हैव टू कार्बन ब्रशेस, ये ब्रश है कार्बन ब्रश, B1 एंड B2. Two carbon brushes, B1 and B2. और ये है एक ही रिंग के दो हाफ्स, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग. स्प्लिट रिंग्स या स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर अरेंजमेंट. ठीक है, तो तीसरा आपका हो गया स्प्लिट रिंग. इस अरेंजमेंट को कहते हैं कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर. ये वाला जो रिंग्स हमने बनाई है R1 R2, ये क्या है, स्प्लिट मतलब हाफ, एक ही रिंग को दो हाफ में डिवाइड कर दिया और यहां लगा दिया. ठीक है, ए बी साइड एक रिंग के साथ अटैच कर दी और सी डी साइड दूसरी रिंग के साथ अटैच कर दी. करिए अटैच इनको. ठीक है, एंड देन दीज ब्रशेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी एंड अ स्विच, सेल एंड अ स्विच. तो ये हमारा मोटर का डायग्राम हो गया. अब इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे, एंड टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मोटर वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मोटर रूल. Because of this reason, it is also called motor rule, because we use this Fleming's left hand rule to explain the working of motor. Okay, diagram clear है, अब हम working करते हैं इसकी. अब suppose हमने key press कर दी, सबसे पहले switch ही on करते हैं ना fan चलाने के लिए, motor चलाने के लिए. तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी. अब ये इधर जाएगा, हेयर हेयर लाइक दिस वापस आ जाएगा. सो दिस इज द करंट फ्लो दैट वी आर शोइंग. लेट्स अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू आर्म ए बी. सबसे पहले हम आर्म ए बी में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं. ये ऊपर करंट जा रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. सो अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नाउ. टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये आप फोर फिंगर को हॉरिजॉन्टल कर लो नॉर्थ टू साउथ. अपनी मिडल फिंगर को आप बिल्कुल ऊपर कर लो करंट. ऐसे करिए हैंड अपना. ये हो गया आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट. ठीक है, अब देखो आपका थंब किधर. आपका थंब इनवर्ड्स है. ठीक है, और सेम रूल व्हेन यू अप्लाई टू आर्म सीडी. तो करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल हॉरिजॉन्टल. उसमें ये सिचुएशन होगी, करंट डाउनवर्ड, मिडल फिंगर डाउनवर्ड. ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और थंब आपकी तरफ होगा, बाहर की तरफ. थंब विल बी आउटसाइड. अप्लाई द रूल टू बोथ द आर्म्स ए बी एंड सी डी. अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो आप देख रहे हो कि ए बी आर्म में इनवर्ड फोर्स आ रहा है, सी डी आर्म में आउटवर्ड फोर्स आ रहा है. ठीक है, अब टू डायमेंशन में फोर्स कैसे शो करेंगे आप. ऐसे बना दो, इधर इनवर्ड बना दो, F1 है लेट अस से दिस इज फोर्स, और इधर आउटवर्ड बना दो F2. तो आप देख रहे हो कि टू फोर्सेस विल बी प्रोड्यूस्ड दैट आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दे आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन. सो सच टू फोर्सेस विल प्रोड्यूस अ टॉर्क दैट विल रोटेट द कॉइल. तो इस तरह से हम स्विच ऑन करते हैं तो उसके बाद व्हाट हैपेंस वी हैव सीन कि एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है जो कॉइल को रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, फैन हमारा रोटेट करना शुरू कर देता है. सो दिस इज हाउ द मोटर वर्क्स. यहां तक देखो कोई डाउट है तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेसिंग द की. प्रेस द की, ठीक है, शो द करंट, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. Apply Fleming's left hand rule to arms AB and CD. We find two forces, magnetic forces acting in opposite directions, equal and opposite, but along different lines of action. Such forces will produce a torque that will rotate the coil. यहाँ तक बताइए कोई doubt है? Yes, Tanya. मैम आपने वो Fleming's left hand rule कैसे लगाया है? एक बारी दोबारा बता दो. देखो CD arm में देखो पहले. आपकी आपकी फोर फिंगर जो है इसको ऐसे करो हॉरिजॉन्टल. ये नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जा रही है ना, हॉरिजॉन्टल है मैग्नेटिक फील्ड आपका. ऐसे करो इसको पहले तो फर्स्ट थ्री फिंगर्स को स्ट्रेच करो, देन फोर फिंगर शुड बी हॉरिजॉन्टल. अब आपका करंट डाउनवर्ड है ना सीडी आर्म में, तो ये जो मिडल फिंगर है इसको ऐसे डाउनवर्ड करो. दोनों में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. ये आपकी फोर फिंगर होनी चाहिए, ये करंट होना चाहिए. तो लुक एट योर थंब. थंब किधर है? थंब बाहर की तरफ है, मेरी तरफ है. ऐसे ही आपकी साइड पे आएगा थंब. ठीक है, और ए बी आर्म में ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा जब आप करंट को ऊपर कर दोगे, तो थंब इनवर्ड हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा. तो मतलब कहने की बात ये है कि हम तो एग्जांपल ही ले रहे हैं कि ए बी और सी डी आर्म्स पे टू फोर्सेस विल एक्ट, वन एक्टिंग इनवर्ड एंड अदर एक्टिंग आउटवर्ड, एंड दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट. But they won't cancel each other as they are acting along different lines of action. I have shown the lines of action by dotted line. तो उनकी lines of action different हैं. तो ऐसे two forces क्या करेंगे? They will rotate the coil. They will produce a torque that rotates the coil in this direction. So the coil starts rotating. पहले हमने इतना कर लिया. ठीक है? Working में पहले आप इतना लिखोगे. After that. After that, we will explain the role of carbon brushes and split ring commutator. वो उसका क्या function हुआ? उसको भी तो explain करना है ना? तो what we will do? We will draw one more diagram after half rotation. You will write after half rotation. ठीक है? अब क्या होता है हाफ सिचुएशन, हाफ रोटेशन के बाद क्या सिचुएशन है? लेट अस सी.
बनाओ पहले, ये अनलेबल्ड बनाइए। सो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा? हाफ रोटेशन के बाद ए बी आर्म नीचे चली जाएगी, सी डी ऊपर आ जाएगी, ठीक है? सो सी डी विल बी हेयर नाउ, ए बी विल गो डाउन। हाफ रोटेशन हुई है ना, आप इमेजिन कर सकते हो। ब्रशेस वहीं रहते हैं, ब्रशेस डोंट इंटरचेंज देयर पोजीशन, बट यू कैन इमेजिन कि साइड्स के इंटरचेंज होने से ये जो स्लिप रिंग्स आर वन आर टू है वो भी इंटरचेंज हो जाएंगी, क्योंकि जो स्लिप रिंग आर वन थी दैट वॉज कनेक्टेड टू ए बी एंड आर टू वॉज कनेक्टेड टू सी डी, तो आर्म्स के इंटरचेंज होने से ये पूरा घूम जाएगा ऐसे सिस्टम, तो उसके साथ साथ आर वन आर टू भी इंटरचेंज हो जाएगी। सो दिस विल बी आर टू नाउ एंड दिस विल बी आर वन नाउ। सो वेन यू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मोटर, ये डायग्राम्स कंपल्सरी है, लेबलिंग कंपल्सरी है, आपने कैसे लेबल करना है दैट शुड बी क्लियर, ठीक है? ठीक है, अब देखते हैं कि व्हेन करंट फ्लोस, अब क्या होता है? अब फिर से करंट फ्लो कर रहा है आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है? अब हम फिर से रूल अप्लाई करते हैं एवी और सीडी आर्म्स को। अब सीडी आर्म आपकी इधर है, एवी आर्म आपकी उधर है, ठीक है? अब आपके फोर्सेस फिर से पहली वाली डायरेक्शन में, रूल तो रूल ही है ना, करंट की डायरेक्शन देखो अभी भी सी इस आर्म में ऊपर ही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी इधर ही है, ठीक है? करंट आपका इस साइड पे है, मैग्नेटिक फील्ड उस बिल्कुल वही चीज है। तो अगेन टू फोर्सेस एफ वन एफ टू विल बी एक्टिंग, दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट बट एक्टिंग अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। सो दे विल कीप ऑन रोटेटिंग द कॉयल इन द सेम डायरेक्शन, दे विल कीप on rotating the coil in the same direction. So this is the function of split ring commutator arrangement that we wanted to explain. So this is because of split ring commutator arrangement that the coil is rotating in the same direction even after half rotation. So this process will continue and the coil will always rotate in the same direction. Kya hum aise fan ko like karenge jo ऐसे रोटेट हो रहा है हाफ रोटेशन के बाद, डायरेक्शन चेंज हो ऐसे ऐसे ऐसे, अगर फैन रोटेट करेगा तो क्या आपको हवा आएगी? नहीं आएगी, ठीक है? तो वी वांट द फैन टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑलवेज। सो व्हाट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हेल्प्स अस टू डू दिस, दैट इज स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर अरेंजमेंट एंड कार्बन ब्रशेस। तो ये वाला जो पार्ट है मोटर का दैट हेल्प्स टू अचीव दिस, इट हेल्प्स द कॉइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑलवेज। तो आपने दो पैराग्राफ बनाने हैं वर्किंग के, एक पहले आपने बताना है, फिर आफ्टर हाफ रोटेशन बता के फिर आपने जनरलाइज कर देना है। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड द कॉइल कीप्स ऑन रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस, ठीक है? देख लो वर्किंग, अगर किसी को डाउट है पूछ सकते हो। यस, any doubt in the working? Yes students, koi doubt hai to puch lo। Okay, so the working of motor, once again, when we press the key, when we press the switch, current start flowing through the coil in the direction as shown, applying Fleming's left hand rule to sides AB and CD, we find two magnetic forces F1 and F2 that are equal and opposite but are acting along different lines of action. So these forces don't cancel each other, they produce a torque that rotates the coil. After half rotation, sides AB and CD interchange their positions. Along with them, the split rings R1 and R2 also interchange their positions, but the brushes remain fixed at their place. Again, applying Fleming's left hand rule to sides AB and CD,
we still find the direction of forces F1 and F2 in the same manner that produce the torque in the same direction. So this process continues and the coil keeps on rotating in the same direction ever. So this is possible due to split ring commutator arrangement and carbon brushes. This is the function of split ring commutator and carbon brushes, that the coil keeps on rotating in the same direction always. So this way an electric motor converts electrical energy into mechanical energy. This is the working of electric motor. You will write like this. Is that clear now to everyone? ठीक है. After half rotation हमने फिर से rule apply करके क्यों check किया? क्योंकि हमें doubt था कि कहीं forces के direction तो नहीं change हो गई. अब क्या coil उसी direction में rotate कर रहा है कि वो अपनी motion की direction को change कर लेगा? No. But the coil still keeps on rotating in the same direction. So this is possible because the brushes, they remain fixed and the rings interchange their positions. That's why it was possible. This was the function of split ring and carbon brushes. I hope that is clear now. Okay. Motor ke baad, ab humara next jo device hai, AC generator tha, but that is not in the syllabus now. But we are going to do Faraday's experiment now. What is the full name of Faraday? Anyone knows? Full name of Faraday kya hai? Pata hai kisi ko? Yes, Daksh. Michael Faraday. Yes, Michael Faraday. So Michael Faraday, he did one experiment. What did he do? He had taken a coil of wire. Coil kya hota hai? Sirf ek wire ka turn. Theek hai? Usne coil of wire liya. He connected it to a galvanometer. And he took a magnet. Bas teen cheeze li usne. This was like a miracle. He moved the magnet either towards the coil or away from the coil. And there was some deflection in the galvanometer. So that was the indication of current. That was the indication of electricity. So ye kaise miracle ho gaya ek, ki simply a magnet ko move kar rahe hain aur electricity produce ho gayi. Aaj tak itne renewable, non-renewable sources se electricity produce karne ki koshish ki ja rahi hai. And still we are having energy crisis. So agar electricity produce karna itna hi simple tha, so why we are having energy crisis? ठीक है. तो दिस इज नॉट सो. इट इज नॉट एक्चुअली द जनरेशन, ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज अगेन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस हियर. व्हाट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी. द वर्क वी डू टू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे, आई विल एक्सप्लेन दैट. द वर्क, द मैकेनिकल एनर्जी दैट वी परफॉर्म, that is converted into electrical energy. So, jitna hum work karenge, utni hi energy produce hogi. This is conversion of energy. So, jo generator hota hai, usme ye jo word generator hai, that is a misnomer. It is not actually generating electricity. It is converting one form of energy into the other. So, iska function motor se bilkul reverse hai. Motor mein hum electrical energy switch on karte hain aur wo ghumne lag jata hai fan. Theek hai? तो कॉइल मूव करने लग जाता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. बट इन जनरेटर द रिवर्स थिंग इज हैपनिंग. इसमें मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड की जाती है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसमें फ्यूल भी कंज्यूम होता है. ठीक है. तो इज दैट ओके? तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट वॉज द बेस ऑफ एसी जनरेटर. इट वॉज द बैकबोन ऑफ एसी जनरेटर. तो जो भी एसी जनरेटर की वर्किंग है मोटर के बिल्कुल रिवर्स, वही फैराडे का भी बेस है. तो इसमें आई विल शो यू दैट वीडियो. उसका एक मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट इसी का दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने एक्चुअली परफॉर्म किया. सी दैट.
वेट फॉर अ मोमेंट। That is giving us direction of deflection of the needle. Right now, current is passing from south to north. So, needle is deflected over west. So, this is no rule, south to north over west. Now, let's have a look at Faraday's experiment. I have taken a galvanometer, a copper coil, which I have connected to the terminals of galvanometer and magnet. So see, when the magnet and coil both are at rest, there is no deflection in the galvanometer. Now, I'll move the magnet through the coil. Can you see the deflection in the galvanometer? And see, when I move the magnet faster, the amount of deflection is more, because rate of change of magnetic flux is also more. So this change in magnetic flux that leads to production of induced EMF in a coil, that is called the process of EMI or electromagnetic induction. A dynamo or generator also works on the principle of EMI. The needle of compass is pointing in north. ठीक है, तो इसको हम घर पे भी कर सकते हैं. We can perform this experiment at home also this way. कि गैल्वेनोमीटर में कॉइल हमने अटैच कर दिया टर्मिनल्स के साथ, एंड व्हेन वी मूव मैग्नेट थ्रू इट, देन एक्चुअली द गैल्वेनोमीटर नीडल शोज डिफ्लेक्शन, दो इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट. तो किसी भी सर्किट के अक्रॉस कनेक्टेड नहीं है, फिर भी डिफ्लेक्शन शो हो रही है, करंट फ्लो कर रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. कल मैं एक्सप्लेन करूंगी इसकी रीजनिंग क्या है.